हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बीन्स की सूखी सब्ज़ी। आपने बहुत अलग अलग तरह की ये सब्ज़ी बनाया होगा, लेकिन एक बार अपने घर में इस तरह से आलू बीन्स की सूखी सब्ज़ी ट्राई करिएगा। आपके घर में अगर बीन्स नहीं खाते होंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा, तो बनाइएगा ज़रूर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर आलू को कट कर लिया, बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कट किया, आप लोग देख सकते हैं। बीन्स भी कट कर लिया हमने। तो ये हमारा तेल गरम हो गया है, तो इसमें डाल देते हैं जीरा। उसके बाद हम इसमें कटा हुआ आलू डालेंगे और आलू को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। तो जब हमारा आलू अच्छे से भून जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसमें बीन्स डालेंगे। तो ये हमारा आलू हो गया है, तो इसमें डाल देते हैं बीन्स। तो मैंने यहाँ पर बीन्स डाल दिया है। और जब हम सूखी सब्ज़ी बनाएंगे तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो चलिए हम इसे ढक्कन लगा लगा कर भूनेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि हरी मिर्च, लहसुन, धनिया, काली मिर्च, जीरा। तो मैंने यहाँ पे सूखी मसाले बनाने के लिए, सूखी सब्ज़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मसाला नहीं लिया है। तो ये देखिए हमारा आलू बीन्स भून रहा है। तो वापस से इसमें ढक्कन लगाएंगे, उससे पहले हम इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से। तो चलिए इसे ढक देते हैं, फिर से ढक्कन हटाते हैं हम लोग। और ये देखिए बीन्स की कलर चेंज हो गई है और ये हमारी बीन्स जो है अच्छे से भून गई है। तो इसमें डाल देते हैं, हमारा मसाला भी पीस गया है, तो हम इसमें डाल देंगे मसाले को। और उसके बाद हल्दी पाउडर डाल देंगे। और जब हम मसाला भूनेंगे तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे। और उसके बाद हम सब्ज़ी को भूनते टाइम मसाले के साथ ढक्कन लगा लगा कर भूनेंगे, जिससे कि सब्ज़ी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो इसमें डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी सूखने लगी है। तो वापस से हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और थोड़ी देर के बाद हटाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी पूरी तरह सूख गई है और ये हमारी आलू बीन्स की गर्मा गर्म सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बाय फ्रेंड।